सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग. आज का प्रेफर्ड आइडिया सर. गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जैन, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आशीष जी, देखिए, नजर जो है वो ऑटो में है, और ऑटो में अगर एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन टाटा मोटर. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, पैटर्न बढ़िया बन रहा है. यहाँ पे इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट परसों के दिन हुआ. मुझे लगा था कल थोड़ा ये कूल ऑफ होगा, लेकिन इसने अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन किया. मैं कूल ऑफ यानी थोड़ा डिप की वेट कर रहा था, वो तो डिप मिला नहीं, तो चलो कोई बात नहीं. तो यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बड़ी रैली मिलनी चाहिए. और रैली का मेरा इसका पोजिशनल टारगेट होगा 665, 670, 636 का इसका कल का क्लोज है. तो हम टाटा मोटर को बाय करेंगे. हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 630 का, और जो टारगेट, छोटा टारगेट, वो रहेगा इनिशियली 650 का. 650 निकले फिर बड़े टारगेट के लिए चेस करेंगे. ओके, चलिए अब पुणे से चलते हैं कोलकाता. अमित सेठ को जोड़ लेते हैं. अमित जी, गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड आपकी? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल. अनुज जी, आज का मेरा टॉपिक रहेगा आईटीसी. रैशनल ये कि स्टॉक ने काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, लगभग 430-440 के लेवल्स पे लगभग 2 महीने का कंसोलिडेशन है, और फाइनली प्राइस और आरएसआई में एक डाइवर्जेंस नजर आ रहा है. एक डाउन स्लोपिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट है, और कल के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने अपना 10 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है. तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टडी स्टॉक है. 448 का प्राइस है, टारगेट्स मेरे रहेंगे 460 रुपए के, और स्टॉप लॉस रहेगा 442 का. बहुत बढ़िया, ये हैवी वेट्स का कमाल भाई. आज कोई HDFC बैंक, कोई रिलायंस, कोई ITC, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बाय कॉल्स आते हुए तो बाजार पे जो लपकने का आइडिया था और पुख्ता होता चले जा रही है आपकी पोजिशनिंग. ये देखिए, अब कोलकाता से वापस पुणे चला जाए बहेती साहब के पास. बहेती जी, गुड मॉर्निंग, रडार पे कौन सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आशीष जी, मेरे रडार पे भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ही था एज अ टॉप बाय कॉल, बट सिंस वो कवर हो चुका है तो डॉक्टर रेड्डीज इसमें वापस बेस फॉर्मेशन बन गया और स्टॉक वापस अपना कल 20 EMA रीगेन करता हुआ देखने मिला. अच्छा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ और कॉल राइटर्स ने पोजिशन यहाँ क्लोज करते हुए देखने मिली है. तो डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी की सलाह है 55-20 का एक स्टॉप लॉस लगाना है. हमें लगता है इसमें 56-50 आपकी पिक क्या रहेगी आज के लिए? शुभ प्रभात तनुज जी आपको और सभी को हमारे तरफ से. तो ऑटो सेक्टर काफी चर्चा में है, और हमारा भी जो झुकाव है वो ऑटो सेक्टर के तरफ ही है, लेकिन दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है मेरे ख्याल से, TVS मोटर्स, ये अपने क्षेत्र का शायद पी के आधार पर शायद सबसे महंगा स्टॉक हो सकता है. कल 1550 के आसपास अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ था, और हमें लग रहा है कि ये 1550 के ऊपर अगर टिक जाता है तो काफी तीव्र गति यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर 1600 के पार जाने के भी ज्यादा समय नहीं लगेगा. ये मैं बहुत ही छोटी या मध्यम अवधि की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी का नजरिया समय की पाबंदी नहीं है तो विकल्प के रूप में लंबी अवधि के लिए भी हमें ये स्टॉक अच्छा लगता है. TVS मोटर्स वैल्यूएशन वाइज सबसे महंगा, लेकिन आज भी पसंद यही आता है. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.